जी, मेरा नाम नायक कयूम है। मैं 6th क्लास से इनोवेशंस पे काम कर रहा हूँ। तब से मैंने कुछ घर पे कुछ इनोवेशंस करे हैं, जिनमें एनवो क्लीनर, बाइसिकल बाय विनोवर, सोइंग मशीन, प्लस मेरा एक रोबो, इसमें मैंने IIT दिल्ली से ट्रेनिंग ली, सी कोएब रोबो, वो बनाया है। बचपन से ही जहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम दिखती थी, वहाँ उसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर माइंड में आता है कोई मशीनरी या कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। तो फिर मैंने उस पे काम करना स्टार्ट करा, कैसे हम मशीनें क्रिएट करेंगे, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, और वैसे वैसे ही मैं मशीनें बनाता गया। और कुछ आइडियाज़ है जो जिसका भी मैंने मशीनरी नहीं बनाई है, उसके लिए क्या होता है, मैं पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो बनाने के लिए। तो हमें अभी तक कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला है जिससे हम अपने इनोवेशंस को आगे बढ़ा पाए। जो मेरा क्लब चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मैंने खुद क्रिएट किया है। पिछले 6 सालों से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनोवेटिव स्टूडेंट्स, जिसके हर एक स्टूडेंट के पास अपने अपने एक इनोवेशन है। बट अब हमें क्या उन इनोवेशंस को आगे बढ़ाना है, अब हम यही चाहते हैं कि हमें सपोर्ट मिले, प्लस हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक वर्कशॉप या लैब मिलनी चाहिए जिसमें हम काम करें। हर कोई स्टूडेंट थोड़े थोड़े पॉकेट मनी से पैसे जमा करके, फिर हम हफ्ते में एक मीटिंग रखते हैं, उस दिन सारे अपने अपने मतलब पैसे देते हैं जो पॉकेट मनी से निकलते हैं, उनको लेके हम फिर कोई नई मतलब मशीन बनाते हैं। मेरा नाम MA काजी है और मैं इस क्लब से काम कर रहा हूँ, क्लब के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से नियर अबाउट। तो रीजन ये है कि जो क्लब है, क्लब का मतलब है इनोवेशन क्लब है, जिसका काफी कम सपोर्ट मिल रहा है हमारी सोसाइटी। मैंने सुना इस क्लब के बारे में तो मैंने ज्वाइन किया, तब से लेकर आज तक मैं इस क्लब का मेंबर हूँ। उसमें हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा जो सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे वर्कशॉप थोड़ा होना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे जो आइडियाज थे पहले छोटे छोटे आइडियाज थे, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े आइडियाज आ रहे हैं, जिसके लिए हमें एक लैब चाहिए या वर्कशॉप होना चाहिए।